हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. लेक्चर नंबर 17, स्टैटिस्टिक्स, एंड द टॉपिक इज एस्टिमेशन. तो लेक्चर नंबर 16 में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए. जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन होता है और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है, उस केस में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं. हम इसमें सेंट्रल लिमिट का थ्योरम यूज किया था. आपको याद होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है. लेट मी रिकॉल यू. व्हेन यू ड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन टू अस, वो किस तरह की पॉपुलेशन है हमें नहीं पता अगर, लेकिन अगर हम सैंपल साइज 30 या उससे ज्यादा लेते हैं ऐसी पॉपुलेशन से, तो हम जो भी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें उस स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होता है शेप में. तो हमने ये बात सैंपल मीन के लिए कही थी कि सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है अप्रॉक्सीमेटली, हैविंग मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा बाय रूट एन. तो अगर पॉपुलेशन का आपको शेप पता है, पॉपुलेशन कैसी है और सैंपल साइज 30 से कम है लेकिन पॉपुलेशन नॉर्मल है और सिग्मा नोन है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल ही होगा. उस केस में भी हम उसी तरीके से इंटरवल फाइंड करेंगे जैसा हमने ग्रेटर देन 30 के केस में किया है. अगर लेस देन 30 है पॉपुलेशन साइज तो, लेकिन सिग्मा नोन है. उसी में अगर आपको पॉपुलेशन साइज भी गिवन है और सैंपल का साइज 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से ज्यादा है, तो फाइनाइट करेक्शन फैक्टर हम यूज करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द सॉल्यूशन. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है वो बन जाता है एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट एन इनटू स्क्वायर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 एंड दिस इज द अपर लिमिट. कैपिटल एन हियर इज द पॉपुलेशन साइज, small n is the sample size and sigma is population standard deviation and x bar is sample mean. तो ये formula आपको कब use करना है, जब आपको sigma known हो, population size known हो और sample size population size के 5% से ज्यादा हो और सैंपल साइज या तो 30 से ज्यादा हो या हमें ये पता हो कि पॉपुलेशन नॉर्मल है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी इज कंडक्टेड इन अ कंपनी दैट एम्प्लॉयज 800 इंजीनियर्स. A random sample of 50 engineers reveals that the average sample age is 34.3 years. एक कंपनी में 800 इंजीनियर्स हैं. अब उन 800 इंजीनियर्स का में से 50 इंजीनियर का एक सैंपल लिया गया और उसमें एवरेज एज इंजीनियर्स की 34.3 years आई. Historically, the population standard deviation of the age of the company is engineers is approximately 8 years. पुराने records के अनुसार जो population standard deviation है age की, company की employees की age की, वो 8 years है. 98% confidence interval हमें construct करना है to estimate the average age of all the engineers in this company. यानि पूरे 800 engineers की average age के लिए हमें एक interval find करना है.
कि 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन का साइज गिवन है 800 और सैंपल का साइज है 50। तो आप देख सकते हो कि 50 जो है वो 5% ऑफ 800 से ज्यादा है। तो हम इसमें फाइनाइट करेक्शन फैक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि सिग्मा भी हमें नोन है, पॉपुलेशन सॉरी सैंपल साइज भी ग्रेटर देन 30 है, तो इसलिए हम इसमें फाइनाइट करेक्शन फैक्टर का यूज करेंगे। उससे पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो 98% को हम 100 × 1 - α के इक्वल रख के अल्फा कैलकुलेट करेंगे, देन अल्फा बाय 2 इज 0.01, ये टेल्स का एरिया आ जाएगा। फिर 0.5 में से टेल्स का एरिया माइनस करेंगे तो बीच 0 से जेड तक का एरिया आएगा। और अब ये वैल्यू हम सर्च करेंगे टेबल में, इससे जेड की वैल्यू आएगी 2.33। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 16 में बता चुकी हूँ कि आपको ये कैसे वैल्यू निकालनी है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा कि कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं सारे 800 के 800, उनकी एवरेज एज 31 से लेकर 36 के बीच में है। अब नेक्स्ट इसमें केस आता है एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन यूजिंग जेड स्टैटिस्टिक्स व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए वही कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है हमें जेड स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, लेकिन सैंपल साइज अब स्मॉल है। प्रीवियस केस में जब सैंपल साइज लार्ज था तो हमने जेड स्टैटिस्टिक्स यूज किया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़ा सैंपल ही ले पाए, हम छोटे सैंपल भी लेते हैं कभी कभी, 10 लोगों का एक सैंपल ले लिया या 15 लोगों का एक सैंपल ले लिया, तो उस केस में सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम केवल लार्ज सैंपल साइज के लिए होती है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये मान सकते हैं कि स्मॉल सैंपल साइज के केस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन्स का वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगा, अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो दस इफ इट इज नोन दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज बीइंग ड्रॉन is normally distributed and if sigma is known, remember sigma is known in all these cases, the previous formula for confidence interval can still be used to estimate population mean even if the sample size is small. Suppose a US car rental firm wants to estimate the average number of miles traveled per day by each of its car rented in California. A random sample of 20 cars rented in California reveals that the sample mean travel distance per day is 85.5 miles. With a population standard deviation of 19.3 miles. US car rental firm hai jo apni car kiraye par deti hai. तो ये पता लगाना चाहते हैं कि जो कार ये रेंट पर देते हैं कैलिफोर्निया में, वो पर डे कितना एवरेज माइल्स ट्रेवल करती है। 20 कार्स जो रेंट पर गई हुई थी उनका सैंपल लिया गया और ये देखा गया कि सैंपल मीन जो ट्रेवल डिस्टेंस आई है पर डे की वो 85.5 माइल्स आई है with population standard deviation of 19.3 miles. तो देखिए यहाँ 20 cars का sample लिया गया है, लेकिन population standard deviation known है और इसमें हमें 99% confidence interval find करना है to estimate mu.
तो इस क्वेश्चन में हालांकि सैंपल साइज लेस देन 30 है, लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। लेकिन ये पता नहीं है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेड स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि वी एज्यूम दैट नंबर ऑफ माइल्स ट्रेवल्ड पर डे इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन। देन द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्मूला विल बी दिस। वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड वी हैव दिस इंटरवल। ओके, नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन यूजिंग टी स्टैटिस्टिक्स व्हेन सिग्मा इज अननोन। अभी तक आपने जितने भी केसेस देखे, चाहे उसमें पॉपुलेशन 30 से ज्यादा हो या 30 से कम हो, या सैंपल साइज 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से ज्यादा हो, इन सारे केसेस में हमें सिग्मा नोन था। लेकिन अगर सिग्मा नोन नहीं है, अननोन है, उस केस में हम जेड स्टैटिस्टिक्स का यूज ना करके, यानी जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल का यूज ना करके हम टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मस्ट बी यूज्ड इन द एस्टिमेशन प्रोसेस। भाई, जब पॉपुलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो सैंपल की इंफॉर्मेशन है उसी का यूज करेंगे। तो जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता होता, यानी कि सिग्मा, तब हम सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी सैंपल से जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आई है, उसको यूज करते हैं एस्टिमेशन प्रोसेस में, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए। गॉसेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किया था, जिसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर ये अजम्पशन है, ये बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, यानी आपको अगर पॉपुलेशन के बारे में पता हो कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिग्मा अननोन है, तब हम टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला टी स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल जेड स्टैटिस्टिक्स की तरह ही है। एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, वेयर एस इज द सैंपल वेरियंस। जेड के केस में यहाँ सिग्मा था, अब सिग्मा हमें नोन नहीं है, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने एस से डिनोट किया है, तो ये टी बराबर है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। ये फॉर्मूला बिल्कुल जेड की तरह ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैल्यूज वो डिफरेंट है। यहाँ पे हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करनी है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी। और बहुत इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है टी स्टैटिस्टिक्स के यूज में, वो ये है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है या अननोन है, तो अदर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमें यूज करने पड़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर हम टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करें तो क्या निकल कर आता है हमें टी स्टैटिस्टिक्स, ये है। अब इसको एल्जेब्रिकली थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। वेयर सिग्मा अननोन है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है, अगेन बाय द सेम लॉजिक दैट दिस मीन कैन बी ग्रेटर देन पॉपुलेशन मीन और लेस देन दिस, सो वी हैव टेक वी वी शुड टेक बोथ साइन अगेंस्ट टी। सो टी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वी सॉल्व इट फॉर म्यू दिस इक्वेशन एंड वी गेट दिस इज एज द लोअर लिमिट, एंड वेन वी टेक प्लस साइन हियर वी गेट अपर लिमिट। दिस इज द पैरामीटर ऑफ टी, वन इज एल्फा बाय टू, अनदर इज द एन माइनस वन, वेयर एन इज सैम्पल साइज एंड एन माइनस वन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम।
बिकॉज इन द टेबल वी नीड टू थिंग्स, वन इज एरिया इन द राइट टेल एंड सेकेंड थिंग इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वी गेट द वैल्यू ऑफ टी. सो वी हैव दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन. वेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. Remember always that underlying assumption before using t statistics is that the population is normally distributed. तो इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.